भाइयों बहनों, कोई भी आदमी आता है तो हम उसे, अगर मान लो गाड़ी नहीं है तो गाड़ी अरेंज करवा के उसको शहर दिखाते हैं। जैसे भी एक हमारे यूट्यूबर फैमिली से आए सुपरटेक इको विलेज वन से, तो गाड़ी में हम उन्हें लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए साइट। उसकी टेंशन नहीं है, आप जो भी है जैसे भी आना चाहें वैसे आ सकते हैं। आप हमें बता दें कि आप ऐसे आ रहे हैं, इस जगह पे आ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट का इंतजाम हो जाता है, उसको लेके आपको परेशानी नहीं होनी है। तीन चार गाड़ियां हैं, कभी भी आपको साइट विजिट करनी हो तो पहले आप हमसे कोऑर्डिनेट करके आ सकते हैं। तो हम जो आपको देखना है, हमें 7 से 10 दिन का टाइम चाहिए होता है चीज़ों को ढूंढने में, अरेंज करने में। और फिर ज़्यादातर आजकल क्या होता है भाई, जैसे जो समझदार लड़कियाँ लड़की हैं वो शादी.com पे प्रोफाइल बनाते हैं, 99% तो वहीं बात सारी हो जाती है, बस 1% होता है। तो प्लॉट भी एक तरह से आप शादी.com की तरह मान के चलिए कि सारी बातें तो वहीं हो जाती हैं, बस लास्ट स्टेप होता है कि एक फिजिकल मूवमेंट, प्लॉट को देखना, करना और आपको उस चीज़ को महसूस करना। तो आप जब भी आएँ तो आप प्रॉपर कोऑर्डिनेट करें, हर एक चीज़, कोई क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज डालें, हमारे फ़ोन पे बात करें 9873708642, और कोशिश करें कि घर के किसी सीनियर बंदे के साथ प्रॉपर्टी देखने आएँ। पहली बार आप सीनियर बंदा लाएं, दूसरी बार आप अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपनी जो भी नियर एंड डियर है उनके साथ आ सकते हैं, पर कोशिश करें जबकि आप फर्स्ट टाइम आए तो आप एक एजुकेटेड बंदे के साथ आए जिसने पहले प्रॉपर्टी खरीदी हो। क्योंकि प्रॉपर्टी में भी नियम है कि अगर मान लीजिए आप वैसे हैं दिल में प्रॉपर्टी को लेकर सीरियस नहीं है और घूम रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है उसका रोज का काम है, वो आपको एक मिनट में भाप लेगा। अब मान लो आप उसको परेशान कर रहे हैं तो वो आपको ऐसा लालच बताएगा कि भाई साहब ये माल ले लो, ये ले लो 1 लाख का, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दूंगा कि 1 साल के अंदर 1 लाख के 10 लाख बन जाएंगे। वो आपको ऐसे ऐसे गोलियां देगा, आपको ऐसा लालच देगा कि भाई साहब ये बगल वाला प्लॉट मैंने दिलवाया था 10,000 का, आज 50 लाख का बिका है मात्र 5 सालों के अंदर। तो वो आपको ऐसी जगह फंसा सकता है आप जिंदगी में नहीं सोच सकते हैं। तो आप कोशिश करें जब भी प्रॉपर्टी लेने जाएं घर में एक सीनियर बंदे को साथ लेके जाएं। क्योंकि कल परसों हम एक मूवी देख रहे थे, उसमें वो लड़की देखने जाते थे, अम्मा को साथ लेके जाते हैं। कौन सी मूवी थी रूबी जी? वो उस पे देख रहे थे ना, मुझे अच्छी लगी वो कंसेप्ट उसका, सीनियर बंदा साथ होना चाहिए। चैनल कौन सा था? जामुन मूवी आप देख सकते हैं, छोटी मूवी है, शॉर्ट मूवी जामुन, और चैनल था डिज्नी हॉटस्टार। डिज्नी हॉटस्टार पे जामुन देखिए तो आप कंसेप्ट पकड़ लेंगे। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। जो फैमिली मेंबर आपका पहले प्रॉपर्टी खरीद चुका है, देख चुका है, उसे पता है, 2-4 रजिस्ट्रियां करवा चुका है, तो मेरे दोस्तों अपने साथ उसी को लेके चलें। अगर वही बात फिर आप लोग कहेंगे गर्ग जी ऐसे मुंह उठा के चल दोगे तो फंस जाओगे, फिर बाद में कहेंगे अरे भाई साहब बस फंस गए, 15 साल हो गए, अरे भाई साहब मैं चाह, कोई दूसरा बोलेगा अरे मैं तो 2 जगह फंसा हुआ हूँ 2 जगह, तीसरा बोलेगा अरे भाई साहब मेरे तो 4 फ्लैट फंसे हुए हैं, मेरा तो पैसा मिट्टी हो गया। तो भैया मिट्टी तो होगा ही, जब लालच करोगे ऐसे आलतू फालतू लोगों से मिलोगे तो वो क्या करते हैं, वो चाकू छुरी लेके बैठे होते हैं कि आ गया अब इसे काटते हैं अच्छे से। तो कटने से बचना है तो खुद होमवर्क करो, मेहनत करो, घर में एक सीनियर बंदे को लेके साथ चलो तो ही आप। हाँ जी, सेक्टर μ1 में आ गए। हाँ जी, μ1 में हम रेडीमेड विला आपके लिए लेके आए हैं आज। μ1 सेक्टर में रेडीमेड विला बने हुए हैं, ये आपको पूरा विला दिखाएंगे, पूरी जानकारी देंगे कि क्या क्या साइज है, 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, जो चीजें हैं अवेलेबल वो दिखाएंगे, आपको समझाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट। हाँ, और ये देखिए बीच में पार्क बना, भी डेवलप नहीं हुआ, सेंट्रल पार्क μ1 का। इधर घर बने हुए हैं, बहुत ही शानदार घर है ये, आप देख रहे हैं जी बगल में ये सारे घर है, ये पावर हाउस है NTPC का, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का बिजली, ये इसके अंदर छोटे घर भी बने हैं अफोर्डेबल सोसाइटी जो 10-11 लाख के आते हैं, ये अभी फ्रेश बने हैं, 2 साल पहले इसकी पोजेशन हुई थी, और साइड में मंदिर है भगवान का μ1 का। ठीक है जी, बहुत ही पीसफुल माहौल है, बहुत ही शांति है μ1 के अंदर, MU1, क्योंकि यहाँ पे लोग जू में और म्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मैथ की कोटेशन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैथ की कोटेशन है। और भाइयों बंधु, मेरे जो वीडियो हैं ज़्यादातर सीनियर बंदे देखते हैं, तो मैं वही देसी बात करता हूँ, और फिर मैं इंग्लिश बोलने में तो इंग्लिश भी बहुत बोल सकते हैं कि डियर फ्रेंड्स, देन यू वांट ए गुड प्रॉपर्टी,
प्लीज मेक ए गुड सेंस, यू क्रिएट ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, पर वो ओवर हो जाएगा जी, तो फिर हम ओवर नहीं करते हैं। लोकल भाषा में मजा है, हिंदुस्तानी है, हाँ बुरा लगे तो माफ करना, हिंदुस्तानी हो हिंदुस्तानी रहो। देखिए जी पार्टी जो आई है यूट्यूब से, उससे भी मुलाकात करवा देंगे आपकी। ये म्यू वन में है, पॉकेट बी म्यू वन, और ये गिनती है 192 से 221। गाड़ी बैक करके लगानी पड़ेगी जी आपको, थोड़ी सी बैक करिए। तो दोस्तों यहाँ पे खूब सारी जामुन है, खूब सारे आम के पेड़ हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और मौसम तो माशाल्लाह यहाँ बहुत शानदार रहता ही है। ठीक है जी, तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें अच्छे अच्छे वीडियो देखें, सीखते रहें सिखाते रहें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बिना सीखे सिखाए आप कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। प्रॉपर्टी के लिए सीखना सिखाना बहुत जरूरी है। देख के डर जाते हैं, इन्हें देख के डरना नहीं है, जहां दाव लगे कोठी खरीद लेनी है। दोस्तों मैंने कुछ टिप्स दिए आपको, इन टिप्स का ध्यान रखिए, और अगले वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे म्यू वन की।